हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्मोजिस। और आज है हमारे पास आईफोन SE 2 2020 का मॉडल है आईफोन SE का। तो आज एक हर एक चीज़ जानेंगे इसके बारे में, इसके प्रोज एंड कॉन्स एंड कहां कहां ये लैग करता है, कहां कहां दिक्कतें आती हैं, एवरीथिंग। सो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको छोटे फ़ोन्स पसंद हैं देन कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको बड़े बड़े फ़ोन्स पसंद हैं लाइक 6 इंचज़ के अबव, मतलब 6.5 ऐसे, देन डोंट वॉच दिस वीडियो, क्योंकि ये फ़ोन जो है 4.7 इंचेस का है, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा माना जाता है और हैंडी होता है फ़ोन। अगर आपको हैंडी फ़ोन्स पसंद है देन वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एज वेल। सो ये है बॉक्स हमारा आईफोन SE 2 का। इसको मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स कर लिया था, सो आई विल टेल यू बेसिक थिंग्स अबाउट इट। सो इसमें 64GB इंटरनल स्टोरेज है, 3GB रैम है, और इसके बॉक्स के कंटेंट में मिलता है स्टिकर्स मिलेंगे और इसके अंदर के सिम इजेक्टर मिलेगा और ये मैनुअल्स मिलेंगे यहाँ पे, और मिलेगा यहाँ पे आपको ईयरफोन्स लाइटनिंग पोर्ट के साथ, एंड मिलेगा चार्जर। चार्जर अभी मैंने कहीं और रखा हुआ है, सो आई विल नॉट शो इट टू यू, बट बेसिक चीज़ें मिलेंगी जैसे सारे आईफोन्स में मिलती हैं। सो बॉक्स को छोड़ते हैं, अब मेन मुद्दे की तरफ चलते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी के बिना भाई फ़ोन जो है अच्छा नहीं लगता है। सो इसमें बिल्ड क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है, और जो बैक में है आपको ग्लास मिलेगा, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते हो आप, लेकिन इसके लिए आपको वायरलेस चार्जिंग सेपरेटली बाय करना पड़ेगा। इसमें जैसे नॉर्मली होता है ग्लास क्या होता है, स्लिपरी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वो मतलब ज़्यादा ग्लॉसी कर लेते हैं, वो ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। बट इन दिस केस मैंने इसमें ऐसा कुछ फील नहीं किया है कि स्लिपरी है, मतलब मैंने इसको ऐसा ग्रिपी फील किया है कि भाई ये थोड़ा ग्रिप में रहता है। और इसका जो बैक है मेरे को काफ़ी सही लगा, क्योंकि लोगो पहले ऊपर आता था और छोटा सा रहता था, इसमें लोगो जो है एप्पल का बीच में है बिल्कुल, और थोड़ा सा बड़ा भी है। और ये फ़ोन एकदम हैंडी है, छोटा सा है, यहाँ पे फ्रंट कैमरा मिल जाएगा आपको एंड बैक कैमरा मिल जाएगा। कैमरा के सैम्पल्स वगैरह मैं आपको सारे दिखा दूंगा इस वीडियो में। और एज़ यूजुअल यहाँ पे टच आईडी है, आप यहाँ पे टच आईडी डालो अपना फिंगरप्रिंट, और यहाँ पे साइलेंट ऑन एंड ऑफ करने का है, वॉल्यूम अप एंड डाउन्स, एंड जो चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पे वही सेम लाइटनिंग कनेक्टर है। तो ओवरऑल जो आईफोन पहले जैसे आते थे 6-7 वाले, ऑलमोस्ट इट इज़ आइडेंटिकल टू 7, बस जो इसमें लोगो है वो बीच में है और पीछे जो है ग्लास पैनल है, और ये वायरलेस चार्जिंग भी है, थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है आईफोन 7 से। इसमें है डिस्प्ले 4.7 इंचेस की HD डिस्प्ले है रेटिना, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है, और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको इसकी डिस्प्ले में, मतलब क्रिस्प डिस्प्ले जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे शो होती है। इसमें जो बेजल्स लगे हुए हैं, ये अगर बेजल्स कम कर देते, ये अगर आईफोन 11 के हिसाब से अगर ये बेजल्स इसमें लेकर आते ना, तब ये फ़ोन जो है पूरी दुनिया में तहलका मचा देता। क्योंकि अभी इतने बड़े बड़े बेजल्स हैं, अभी 2020 चल रहा है, 2020 के स्टैंडर्ड्स में ये फ़ोन फिट ही नहीं होता है डिस्प्ले के हिसाब से, क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े बेजल्स भी हैं। अगर ये छोटे छोटे बेजल्स लेके आ जाता जस्ट लाइक आईफोन 11, तो ये तबाही मचा देता भाई। दुनिया में हर जगह फ़ोन इसी को लोग खरीदते, कोई आईफोन 11 नहीं खरीदता, इतना मैं मानता हूँ। क्योंकि एक तो ये हैंडी है, ऊपर से एकदम क्यूट लगता अगर वैसे वाले डिज़ाइन के साथ अगर ये लॉन्च करते तो। बट दैट्स ओके, दैट्स अनदर टॉपिक। अब बात करेंगे प्रोसेसिंग की। सो यू ऑलरेडी नो कि इसमें एप्पल A13 बायोनिक चिप है, सो ये अच्छी प्रोसेसिंग देगा क्योंकि ये लेटेस्ट वाली चिप है। सो मैंने इसमें गेम्स खेले हैं, एसफॉल्ट 9 खेला है, जो कि काफ़ी हाई एंड गेम है इसमें, जो कि इसकी परफॉर्मेंस एकदम टॉप क्लास थी, सिंगल लैग भी नहीं हुआ, एकदम मक्खन की तरह है, 60 FPS के भी ऊपर की FPS दे रही थी, मक्खन की तरह चल रही थी। आप इसमें सारी फुटेज देख सकते हो, मैं इसमें डाल दूंगा आपके लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैमरा क्वालिटी। कैमरा इसका रियर साइड में है 12 MP का, और जो फ्रंट वाला है वो है 7 MP का। सो कैमरा क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, दिन में भी और रात में भी, लो क्वालिटी लो जो मतलब रात के टाइम पे जो खींचते हैं वो भी सही है नाइट मोड के हिसाब से, और जो दिन में खींचते हैं वो तो भाई और भी ऑसम है। सो आपको मैं इसके सैम्पल्स वगैरह दे दूंगा। आप इसके जो फ्रंट वाला है वो तो और एकदम क्रिस्टल क्लियर है, मतलब जो अगर आप एज अ ह्यूमन फ़ोटो खींचोगे तो उसकी जो
क्वालिटी है वो एकदम निखर के आती है वो। मतलब ये सिर्फ आईफोन में ही ऐसा है कि भाई मतलब एकदम नेचुरल ट्यूनिंग होती है। अगर आप ओप्पो वीवो लोगे तो उसमें एकदम नेचुरल ट्यूनिंग नहीं होती, उसमें पूरा फेक लगता है, पूरा वाइट वाइट वो छाप देंगे हर जगह, तो वही लोग यूज़ करते हैं आजकल, दैट्स नॉट रियल। सो ये है एकदम नेचुरल ट्यूनिंग के साथ आपको सारी इंफॉर्मेशन सारी फोटोज़ वगैरह देता है, जो कि मेरे को बहुत पसंद है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैटरी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक स्मार्टफोन के अंदर। बैटरी इसकी ऑलमोस्ट 1 आवर में चार्ज हो जाती है 100%, लेकिन इसकी जो बैटरी लाइफ है वो दिक्कत कर सकती है। लाइक आप हैवी यूज़र हो, कॉल पे बातें करते रहते हो, वीडियोस देखते रहते हो और मूवीज़ देखते रहते हो फ़ोन पे, तो दैट्स नॉट फॉर यू, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आपकी बैटरी ड्रेन कर देगा, जो कि आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, बार बार आपको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। और इसमें iOS 14 ऑलरेडी है, सो iOS 14 तो आया ही ऐसे है कि मतलब आपकी बैटरी ड्रेन कर रहा है वो बहुत जल्दी जल्दी। मैंने iPhone 7 का उसमें रिव्यू डाला था, यू कैन चेक दिस आउट एज वेल। अगर आप हैवी यूज़र नहीं हो iPhone के, देन ये iPhone आपके लिए हो सकता है, और ये हैंडी है, छोटा सा है, सो दैट्स परफेक्ट फॉर यू। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये पहले अगर आप नया भी खरीदोगे तो iOS 13 पे आएगा ये, लेकिन आप इसको अपडेट करो iOS 14.1 पे, सो आपको मतलब इसका रियल वो आपको पता चलेगा कि मतलब क्या इसका पोटेंशियल है। और जो iOS 14 है वो ज़्यादा अपग्रेडेड है, लेकिन अगर आप बैटरी कंसर्न्ड पर्सन हो लाइक एवरीवन एल्स, सो यू शुड नॉट अपग्रेड इट राइट नाउ, क्योंकि अभी इतना अच्छा बैटरी मैनेजमेंट का अपडेट नहीं आया है। और रही बात सिक्योरिटी की और एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो सिक्योरिटी में यू ऑलरेडी नो आईफोन इज़ द बेस्ट एंड प्राइवेसी में भी, लेकिन जो iOS 14 का अपडेट है उसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर डाला गया है, उन्होंने बहुत अच्छा सा अपडेट दिया है। सो अगर आप iOS 14 के सिक्योरिटी अपडेट्स के बारे में मतलब जानना चाहते हो, यू कैन वॉच माय अनदर वीडियो। एंड स्पीकर्स इसके डिसेंट हैं, एकदम लाउड हैं, क्लियर हैं, जैसे iPhones बाकी iPhones के हैं, लाइक iPhone 7, 8 एंड SE 2 के भी वैसा ही है। और एकदम ये लेटेस्ट वाला है iPhone, सो आपको लॉन्ग टर्म तक इसको अपडेट्स मिलेंगे और ये लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेगा, अनटिल और अनलेस अगर आप इसकी डिस्प्ले तोड़ नहीं देते हो तो गलती से। एज यूजुअल इसमें भी कोई हेडफोन जैक नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है लाइटनिंग पोर्ट। सो ये था मेरा रिव्यू iPhone SE 2 2020 के लिए। अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए जो कि रिव्यू हो, टेक ट्यूटोरियल्स हो, बाकी टेक की चीज़ें हो, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दो यार, मैं कोई बुरा नहीं मानने वाला। और तब तक के लिए पीस आउट, टेक केयर एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस।